फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। अर्जेंटीना के लिए अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे लियोनेल मेसी ने अपने वर्ल्ड कप करियर का अंत शानदार तरीके से किया है। रेगुलर टाइम में स्कोर 2-2 से बराबरी पर था और फिर अतिरिक्त समय में भी स्कोर 3-3 से बराबर ही हो पाया। इसके बाद मैच पेनल्टी शूटआउट में गया, जहां पर अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को 4-2 से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में एक बार फिर अर्जेंटीना के स्टार रहे लियोनेल मेसी। दुनिया के महानतम फुटबॉलर्स में से एक फ्रांस के खिलाफ मैदान पर उतरने के साथ ही मेसी ने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। वो विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने जर्मनी के महान फुटबॉलर लिथार मैथ्यूस को पीछे छोड़ दिया। फ्रांस के खिलाफ मैदान पर उतरते मेसी ने विश्व कप में अपना 26वां मुकाबला खेला। इससे पहले क्रोएशिया के खिलाफ मैदान पर उतरने के साथ ही मेसी ने लोथार मैथ्यूस के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। जर्मनी के महान मिडफील्डर मैथ्यूस ने 1982 विश्व कप से लेकर 1998 विश्व कप के बीच कुल 25 मुकाबले खेले थे। वहीं मेसी ने मैच के 23वें मिनट में पेनल्टी के जरिए गोल कर अर्जेंटीना को मैच में 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके साथ ही मेसी ने वो कारनामा कर दिखाया जो इससे पहले कोई और प्लेयर नहीं कर पाया था। वो एक वर्ल्ड कप के सभी नॉकआउट मुकाबलों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मेसी ने कतर विश्व कप के राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच में गोल किया है। साथ ही विश्व कप में मेसी के नाम कुल 21 गोल इन्वॉल्वमेंट हो गए हैं, यानी वो विश्व कप में कुल 13 गोल और 8 असिस्ट दे चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। वहीं इस विश्व कप में मेसी के नाम ये कुल 7वां गोल था। वो गोल्डन बूट की रेस में दूसरे नंबर पर है। फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने गोल्डन बूट जीत लिया है। देम्बेले की गलती का मेसी ने फायदा उठाया। मैच की बात करें तो लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना की मैच में 1-0 की बढ़त दिला दी थी। उन्होंने 23वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया। इस दौरान फ्रांस के खिलाड़ी ओस्मान डेम्बेले ने पेनल्टी बॉक्स में एंडल डी मारियो को गिरा दिया, जिसके बाद रेफरी ने तुरंत ही अर्जेंटीना को पेनल्टी दे दी। इस मौके का फायदा उठाते हुए मेसी ने गेंद को सीधे गोल पोस्ट में डाल दिया। इसके अलावा मैच के 108वें मिनट में मेसी ने दूसरा गोल दागकर अपनी टीम की शानदार वापसी करवाई। मेसी के मुताबिक रविवार को खेला गया यह फाइनल मैच अर्जेंटीना के लिए उनका आखिरी मुकाबला रहा। मेसी अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा 5 बार विश्व कप में हिस्सा लेने वाले प्लेयर हैं। इसके साथ ही वो विश्व कप में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। मेसी ने साल 2014 विश्व कप में भी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। लेकिन इस बार तो मेसी ने वो हासिल कर लिया जिसके लिए वो सालों से इंतजार कर रहे थे। इस स्टोरी को लिखा है हमारे साथी रविराज ने। कैमरे के पीछे हैं आलिश, मैं हूं विपिन। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। दी ललन टॉप है इंडिया टुडे का डिजिटल फर्स्ट न्यूज प्लेटफॉर्म, एक ऐसी वेबसाइट जहां आप सिर्फ खबरें पढ़ते ही नहीं, वीडियोस को देखते हैं, पॉडकास्ट को सुनते भी हैं। हम हैं नए जमाने के किस्सेबाज, नई तर्ज पर सुनाते हैं नई कहानियां, कहानियां जो बनती हैं कभी जिंदगी के अनुभवों से तो कभी आंकड़ों से। कभी उतर कर आपके बीच दिखाते हैं जमीनी हकीकत, फैक्ट चेक से खोलते हैं झूठ की पोल, तो कभी चुनावी सरगर्मी के बीच नापते हैं सियासत का तापमान। हम हैं दी लल्लन टॉप, स्पष्ट, सरस, सरल।